हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे केले का पनीर। मार्केट में मिलने वाला मिल्क पनीर एनिमल का दूध से बनता है, लेकिन केला तो प्लांट से आता है। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि प्लांट बेस्ड फूड में कम कोलेस्ट्रॉल होता है और ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, और प्लांट बेस्ड फूड में इंसान का ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो चलो शुरू करते हैं, ये डाइट वाला केले का पनीर कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 4 कच्चे केले लिए हैं और उन सबके छिलके चाकू से निकाले हैं। इन चारों केलों को बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर जार में डालेंगे और आधा कप दूध का मलाई डाल के ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद इतना बारीक पेस्ट होना चाहिए। इस पेस्ट को एक बाउल में निकालेंगे। उसमें 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। पनीर सॉफ्ट बनने के लिए हमें इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। अभी मैंने एक स्टीमर का प्लेट लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के सब जगह लगा देंगे। इसमें हम लोग पनीर का बैटर डालेंगे। तेल लगा दिया तो पनीर का बैटर स्टीमर का प्लेट को नहीं चिपकेगा। पनीर का बैटर को स्टीमर का प्लेट में डालेंगे और एक चम्मच से सभी जगह अच्छी तरह फैला देंगे। पहले से ही मैंने एक स्टीमर का बर्तन में पानी डाल के गर्म करने के लिए रखा था। अब उसमें स्टीमर का प्लेट रखेंगे और ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। 15 मिनट के बाद ढक्कन खोल के चेक करेंगे। ये देखिए, बैटर उंगली को नहीं लग रहा है, मतलब ये अभी रेडी है। नहीं तो चिपक गए तो और 5 मिनट के लिए उसको स्टीम कर लीजिए। स्टीमर प्लेट को बाहर निकाल के ठंड होने के लिए रखिए। ठंड होने के बाद उसका छोटे छोटे पीस कट कीजिए। ये देखिए, पनीर कैसे सॉफ्ट हो गया, अभी अंदर से भी कितना सॉफ्ट हो गया है। हम पनीर को स्नैक्स जैसा खाने के लिए बनाएंगे। इसके लिए मैंने गरम तवे पे थोड़ा सा तेल लगाया। अभी सभी पनीर को तवे पे रखेंगे। पनीर को दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। अभी सभी पनीर को एक बाउल में निकालेंगे। उसको थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अभी ये तैयार हुआ चटपटा केले के पनीर चाय के साथ खाने के लिए तैयार है। ये रेसिपी आपका फैमिली और दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी आपको पहले मिले।
ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।